सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। कई किसान संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठन अपनी मांगों के समर्थन में 13 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने अपने प्रदर्शन की तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसानों के दिल्ली ट्रैक्टर मार्च को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए टीयर गैस वाटर कैनन का भी डेमो किया। कुरुक्षेत्र पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कुरुक्षेत्र पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस कर्मी वज्र वाटर कैनन और पुलिस सुरक्षा के लिए मिली सुरक्षा किट का भी निरीक्षण किया। कोई भी लॉ ऑर्डर की सिचुएशन हो उसको डील करने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस पूरी सक्षम है। उसी के संदर्भ में हम रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस और जो है एक्सरसाइज जो हमारी कंपनीज हैं, 4 कंपनी हमने जिले में बना रखी हैं, जो उनकी पूरी एंटी राइट गियर भी इनको नए दिए जा रहे हैं और जो वज्र वैन है और वाटर कैनन्स हैं उनकी मेंटेनेंस ठीक प्रकार से हो, सुचारू रूप से वो अपना कार्य करें, तो एक रूटीन की एक्सरसाइज जो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं वो आज की जा रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स की 4 कंपनियां भी कुरुक्षेत्र बुलाई गई हैं। साथ ही बताया कि पुलिस पूरी तरह से तैयारी में है। देखिए, जैसा जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेमोक्रेसी है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन जो भी उनकी डिमांड है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कानून के दायरे में रखी जाए। आम आदमी का जो है भी जो उसके राइट्स हैं उसका ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की वायलेंस ना हो, किसी प्रकार से जो सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है उसको अवरुद्ध ना किया जाए। बाकी पीसफुली जो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी जो हरियाणा के जितने हमारे किसान भाई हैं उनसे भी मेरी अपील है, खासकर कुरुक्षेत्र के, कि इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग। वहीं पुलिस ने किसानों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में वो पुलिस का सहयोग करें। किसान अपने दिल्ली कूच को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहीं पुलिस भी किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर अलर्ट मोड पर है। ऐसे में देखना ये होगा कि 13 फरवरी को होने वाले किसानों के कूच में पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ेगा या नहीं। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।